करीब बैठे हैं आपके। अब 36 काम इनके जिम्मे है, आदमी तो एक है, यहां बैठे हुए। जब वजूद को मल्टीटास्क नहीं किया जा सकता, मल्टीटास्क किसको किया जाता है? मिसाल क्लियर हो रही है? बिल्कुल। आप में से तो कई लोग होंगे ऐसे जिनके जिम्मे तीन तीन चार चार पांच पांच काम होंगे, बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं, है ना, है ना। और तो एक ही जगह बैठे हो, फिर किसने मल्टीटास्क किया? और मैनेजमेंट की स्ट्रॉन्ग टर्मिनोलॉजी, हल्की नहीं, स्ट्रॉन्ग टर्मिनोलॉजी। हाउ, व्हाट इज दैट इज टू बी मल्टीटास्क व्हेन आई कैन नॉट प्रेजेंट माइसेल्फ विद माइसेल्फ बीइंग इन माइसेल्फ एट द सेम टाइम इन टू प्लेसेस, देन हाउ कैन आई बी मल्टीटास्क? हाउ? आप कभी भी फिजिकल बॉडी को मल्टीटास्क नहीं करते, हमेशा माइंड को मल्टीटास्क करते। मल्टीटास्किंग इज अ मेंटल एक्टिविटी, नॉट फिजिकल एक्टिविटी। मेंटली जवाब दे है वो आदमी, ये बात इसके नहीं की जा सकती, इसके मुताबिक नहीं की जा सकती, ये बात सिर्फ मेरे मुताबिक, मेरे मुताबिक। मैनेजमेंट इज टू गेट द वर्क डन थ्रू पीपल। अब पीपल को जो रिसोर्सेज चाहिए होंगी वो हम दे देंगे। जी आप कह रहे हैं कि ये काम करना है, इसके लिए मुझे ये चीजें चाहिए, बिस्मिल्लाह, ये ले, स्टोर से इशू करा ले, ले ले जाए, वेरी गुड, थैंक यू। तो बीइंग ए मैनेजर सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? पीपल। अब एक और चीज बता दू फिर मैं, जी मैं अभी मैंने ये खोला नहीं, फ्लैट से मुझे समझ में नहीं आता, ठीक है ना, तो आपके लिए बना दें, मगर ये चीजें इसमें कवर होती जा रही है, अब इनके ऊपर जाएंगे तो चीजें बहुत तेजी से कवर हो जाएंगी, कॉन्सेप्ट डिस्कस होगा। पीपल, पीपल, अब पीपल के साथ खास बात क्या है जिसको आप कंट्रोल कर दें? देखो, एक है प्रोडक्शन और एक है परफॉर्मेंस। प्रोडक्शन को आपने क्या कहा? पैदावार। परफॉर्मेंस को आपने क्या कहा? कारकर्दगी। हमेशा एक बात याद रखना, हमेशा याद रखना, मशीन की परफॉर्मेंस नहीं होगी, प्रोडक्शन होगी, और मैन की प्रोडक्शन नहीं होगी। ये प्रोड्यूस करेगा, मैं परफॉर्म करूंगा। प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन में कभी भी वेरिएशन नहीं आएगा, प्रोडक्शन स्टैंडर्ड होगी, परफॉर्मेंस कयामत तक स्टैंडर्ड नहीं हो सकती, कयामत तक नहीं हो सकती। मैं बैठ जाता हूं ये आ जाते हैं, ये किसी और तरह पढ़ाएंगे, ये बैठ गए याद आ गए, ये किसी और तरह पढ़ाएंगे, परफॉर्मेंस कयामत तक स्टैंडर्ड नहीं हो सकती। और मशीन कयामत तक स्टैंडर्ड होगी, इस बैच के जितने लैपटॉप निकले होंगे सबका आउटपुट एक होगा, सेम होगा। जब प्रोडक्शन स्टैंडर्ड है उसमें वेरिएशन ही नहीं है, तो मैनेज क्या करना है? मेंटेन करना है ना। कोई प्रोडक्शन का आदमी है? प्रोडक्शन ऑपरेशंस का बैठे बैठे हैं, तो मेंटेन करना है ना, करेक्टिव मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। ये प्लांट ऑपरेशन के वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, ऑपरेशन मैनेजमेंट पढ़ाते हैं, यही कर रहे हो ना, मेंटेन कर रहे हो। क्यों मेंटेन कर रहे हो? इसलिए मेंटेन कर रहे हो कि इसकी प्रोडक्शन स्टैंडर्ड है, जहां वेरिएशन आएगी आप मशीन फेंक दोगे तो उसी ले आओगे, खत्म हो गया भाई, काम नहीं करती। ह्यूमन की परफॉर्मेंस कयामत तक स्टैंडर्ड नहीं हो सकती। आज तक दुनिया में कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं बना जो परफॉर्मेंस को स्टैंडर्डाइज कर सके। परफॉर्मेंस इज एन इंडिविजुअल एक्टिविटी। आपके नीचे जितने लोग काम कर रहे हैं, वन साइज फिट्स ऑल अंग्रेजी का मामला, ये कभी भी ह्यूमन पे अप्लाई नहीं हो सकता। ये अलग आदमी अलग दुनिया है, अलग आदमी अलग दुनिया, अलग आदमी अलग दुनिया है। 1000 लैपटॉप हो, मैं एक आदमी की मदद से 1000 लैपटॉप को कंट्रोल कर सकता हूं, ये सब एक ही तरह परफॉर्म करेंगे। परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्शन, मशीन की प्रोडक्शन है, ह्यूमन की परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस कारकर्दगी कभी स्टैंडर्ड नहीं होगी, हमेशा वेरिएशन। क्वांटिटी स्टैंडर्ड है, क्वालिटी वेरिएशन। क्वांटिटी में कभी बहस नहीं आएगी, एक किलो एक किलो, अच्छा या खराब, ये क्वांटिटी नहीं, ये क्वालिटी। सड़ा हुआ गोश्त है, बू आ रही है,
इसको भी तोलेंगे तो किलो ही होगा ना, बिल्कुल अच्छा या खराब क्वांटिटी तो नहीं है, परफॉर्मेंस क्वालिटेटिव है, प्रोडक्शन क्वांटिटेटिव है। थोड़ा खुलना शुरू हो गया है, मतलब अब राजभूत था पहले अब स्मोक खत्म, ये कॉन्सेप्ट है, ये किधर नहीं है, नॉलेज नहीं है, बता फ्लडे फ्लडे चला के जो को बनाते हैं गाली देते हैं लड़कियां नहीं क्लियर। अब चूंकि ये वेरिएशन है, जहां जहां ह्यूमन को डिस्कस कर रहा हूं, आप मेरे साथ डिस्कशन में शामिल है सुबह से, कहीं भी ह्यूमन के अंदर स्टैंडर्ड का वर्ड नहीं आ रहा, ह्यूमन के अलावा, ह्यूमन के अलावा पूरी कॉस्मोस, कॉस्मोस कायनात, यूनिवर्स दुनिया, पूरी कॉस्मोस, कॉस्मोलॉजी फलसफे का डीप ब्रांच है, कॉस्मोलॉजी लॉजी साइंस, कॉस्मोस कायनात, साइंस ऑफ कॉस्मोस कायनात की साइंस कॉस्मोलॉजी, पूरी कॉस्मोस के अंदर हर चीज स्टैंडर्ड है, एक स्टैंडर्ड नहीं है, वो ह्यूमन है, हर चीज स्टैंडर्ड, पूरी दुनिया के शेर एक तरह के, अफ्रीका के जंगल में शेर पाए जाते हैं पीछे जो घास खाते हैं, हमने आज तक ये ना सुना और कयामत तक ना सुनेंगे, पूरी दुनिया के शेर घोष खाते हैं, स्टैंडर्ड है, इंसान सिर्फ इंसान को उसने विदाउट स्टैंडर्ड बनाया है, इसलिए इंसान इंडिविजुअल है, इंसान कलेक्टिव नहीं है, इंसान के अलावा हर मखलूक कलेक्टिव है, पूरी हर मखलूक के, हर मखलूक के हर जुज के अंदर वो खसूसियात पाई जाएंगी, उस मखलूक के कुल में पाई जाती है, ये शेर खूंखार है, गोश्त खाता है, हर शेर खूंखार होगा और गोश्त खाएगा, ये बात किसी के, अगर किसी मखलूक के मुताल्लिक ये बात नहीं कही जा सकती तो मखलूक है इंसान, सब स्टैंडर्ड है, इंसान के अलावा सब स्टैंडर्ड है, इंसान का स्टैंडर्ड नहीं, वो इंडिविजुअल है, सबसे अलग अलग हिसाब, सबसे अलग अलग हिसाब, सब लोग आ जाए साथ में चलो हिसाब कर लें, ग्रुप फोटोग्राफ, ग्रुप फोटोग्राफ नहीं, एक किताबिक दफा बेनफ से कर जाओ मैंने कहा हसी बात है, किताब खूबसूरत है तो कुरान तीन जगह है, इकरा किताब पढ़ अपनी किताब कफा बेनफ़सकन लौमा अलैका हसीबा, आज तू खुद अपना हिसाब करने को काफी है, पढ़ मेरी किताब अयाज में पढ़ेगा, अयाज की मैं नहीं पढ़ूंगा, मेरी अयाज की मिल के किताब नहीं होगी, वो जुर्मा पैदा हुए थे मेरे दो ब्रदर लॉ जुर्मा है, 30 सेकंड का फर्क है, एक का नाम शाहिद एक का नाम जाहिद है, ये तो कसम खा सकते हैं कि अपनी माँ के पेट से एक साथ पैदा हुए थे, शाहिद जायद की मिला के किताब बना दो, जो मेरी सास थी वो यहाँ पे कान पे काला वो लगाती थी फर्क करने के, अब बड़े हो गए शादी हो गई अब निशानियां बाजें या फर्क कर लेते, आवाज में अभी भी नहीं कर पाते, तो माँ जिसने पैदा किया है वो यहाँ लगाती थी काला निशान, ये शाहिद है ये जायद है, तो भाई दोनों के साथ इतनी मुमासलियत है तो किताब एक ही बना दो इनकी, शायद जायद मिलकर अपनी किताब पढ़ लो ना, शायद की किताब अलग है, जायद की किताब अलग है, क्या नहीं है स्टैंडर्ड नहीं है ना, ये खाली का कुल्ली है मेरा नहीं है, मैं बयान करने का गुनाहगार हूं, इसके अलावा हर चीज में स्टैंडर्ड है, हमारा नहीं है, क्यों नहीं है, वेरिएशन है, सारा खेल कारकर्दगी के ऊपर है, वहां भी कारकर्दगी का ही मुहासबा हो रहा है ना, क्या करके आए, करना कारकर्दगी करना कार काम, फारसी में काम को कार कहते हैं ना, ह्यूमन की परफॉर्मेंस है, बीइंग ए मैनेजर यू आर टॉकिंग अबाउट कंट्रोलिंग द परफॉर्मेंस ऑफ योर सबॉर्डिनेट्स कलीग्स एंड यू हैव टू बी ऑन द टिप ऑफ द आइसबर्ग, व्हाई बिकॉज परफॉर्मेंस कैन नॉट बी स्टैंडर्ड, अभी एक फोन मेरे मोबाइल पे आए 30 सेकंड की कॉल आए, मैं जाऊं सुन और सुन के वापस आऊं, ऐ मुमकिन है उस कॉल को सुनने के बाद मैं वो ना रहूं जो कॉल सुनने से पहले था, मुमकिन है या नहीं, मुमकिन है, इसके लिए मुमकिन है नहीं, कैसे कह रहा है कि स्टैंडर्ड होगा, पागल है जो कहता है परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड, पागल है वो, पागलों क्या हाथ में आ गया काम कर रहे हैं सब लगे हुए,
किताब छाप दी, छाप के बाजार में बेच दी, लोगों ने कसम खा ली किताब में छपाऊंगा। सोच के देखो, परफॉर्मेंस कभी भी स्टैंडर्डाइज नहीं होती। इसलिए मैनेजर को अपनी टीम के हर मेंबर को इंडिविजुअली ट्रीट करना है, बिकॉज इंडिविजुअलिटी का उसने कितना ख्याल रखा है। आप नहीं रखते तो माँ के पेट में एक थे, कब्र में एक थे, कामत में एक खड़े हो गए। वो ड्वेलिटी में क्यों नहीं जा रहा? वो ड्वेलिटी में नहीं जा रहा इसलिए तुम्हें तकलीफ किया है। तुम ड्वेलिटी में घुस रहे हो, किसके पीछे छुपोगे? कहा माँ दुआ करेगी मेरी गोद में बच्चा होता, उसको गिरा के उसके ऊपर खड़ी हो जाती। लिखा हुआ किताबों में ऐसा सख्त ऐसा सख्त दिन कि माँ ख्वाहिश करेगी कौन बच्चा होता, मैं गिरा के उसके ऊपर खड़ी हो जाती। ऐसी गर्मी, ऐसी तपिश। कहा है ड्वेलिटी, इंडिविजुअलिटी। मैं इतनी तशद्दुद से बात इसलिए कर रहा हूं कि बीइंग ए मैनेजर, नीचे लोग बढ़ते चले जाते हैं, हम उनको कलेक्टिव लेना शुरू कर देते हैं, आप सब मिलकर ये काम कर लें। दैट इज वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। लेकिन एक पार्टी के लिए सही है। हाँ, इसका मतलब ये हुआ शादी का खाना खुलेगा, मैके के पास जाऊं, खाना खोल दिया है, खाना खोल दिया है। वहां तक पहुंचते पहुंचते तो ये खाना छोड़ेंगे उस गरीब के लिए, वो तो रोटी खोल दे हो, अन्नी पा दे हो। वहां तो खाना, रिजवान साहब आप तो बड़ी इंडिविजुअल की बहस करते हैं ना, आपकी बेटी की शादी में बात नहीं लगनी चाहिए, खाना खुल गया है। आप एक एक के पास जाएंगे और जाके कहेंगे नहीं ये नहीं मतलब है, मैं सबको दावत दूंगा क्योंकि मैं एक काम के लिए तमाम को इन्वाइट कर रहा हूं, आइए खाना खाइए। मगर जब एक टास्क के लिए टास्क फोर्स बनाइए, बिल्कुल सही बात है, दो को साथ ही भेजूंगा मैं, मगर मेरे जहन में हर आदमी अलग अलग मौजूद हो, हर आदमी अलग अलग मौजूद हो। मैंने पहले कहा अंग्रेजी का मुहावरा वन साइज फिट्स ऑल, ये जूते के लिए कहा जा सकता है, इंसान के लिए नहीं कहा जा सकता। और अब हम क्या हो गया, इसे कहते एक टर्म इस्तेमाल होती है, बहुत ही लेटेस्ट टर्मिनोलॉजी है, ट्रांसह्यूमनिज्म। ट्रांसह्यूमनिज्म विकिपीडिया में देखोगे तो ऐसा मिलेगा तुमको, एच प्लस। क्या है, दुनिया जा रही है टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी की तरफ, इसे कहते हैं टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी की जा रही है। फिजिक्स में एक चीज पढ़ते हैं हम, इसे कहते हैं टाइम इन मोशन स्टडी। मिसाल के तौर के ऊपर मैं ये इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ लैपटॉप को, मैं यहाँ से एक दो तीन चार पांच स्टेप लेकर क्लिक करता हूँ, स्लाइड चेंज होती है, फिर वापस आता हूँ, एक दो तीन चार पांच। अब फिजिक्स कहती है ये जो स्टेप है ये नॉन प्रोडक्टिव है, इनको बचाया जा सकता है। तो कैसे बचाया जा सकता, भाई आपके हाथ में लेजर पॉइंटर दे देते, आप पूरे रूम में कहीं भी खड़े हो क्लिक करें स्लाइड आगे बढ़ जाएगी। तो क्या इस वक्त हम टेक्नोलॉजी के कौन से दौर में दाखिल हो गए हैं? हम इस दौर में दाखिल हो गए हैं जहां ह्यूमन मोशंस को आप क्या कर रहे हैं, ऑटोमेट कर रहे हैं। आप कैशियर पहले ऐसे, फिर वो पानी वाले उसमें टप के नोट नहीं गिनता, अब रखता है भर पानी। तंदूर वाला अपना पसीना उसी में गिरा गिरा के आटा नहीं गूंदता, अब उसके पास आटा गूंदने की मशीन है, मशीन आटा गूंदती। मासी डंडे पटक पटक के कपड़े नहीं धोती, कपड़े आधे बिल्कुल सूखे हुए निकल के आते। आप अब मोशंस को क्या कर रहे हैं, ऑटोमेट कर रहे हैं। फोर्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी में चले गए, ऑटोमेशन में चले गए, ऐसे कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स ऑटोमेशन। इसका नुकसान क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। और नुकसान क्या हो रहा है, इंसान को इंसान की जरूरत नहीं। आज क्या जरूरत है, मुझे मेरे मोबाइल और वाईफाई के साथ कमरे में बंद कर दे, मुझे एक हफ्ता किसी की जरूरत नहीं अगर वाईफाई काम कर रहा है। यही हुआ ना, बिल्कुल। वी आर डिजिटली कनेक्टेड, सोशली आइसोलेटेड। डिजिटली कनेक्टेड, सोशली आइसोलेटेड, ह्यूमन रिसोर्स ऑटोमेशन, इसे ट्रांसह्यूमनिज्म कहते हैं। टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी, वर्ल्ड इस तरफ जा रहा एंड की तरफ। जब सब खत्म हो जाएगा
हर चीज हो जाएगी, फिर इंसान क्या करेगा? इंसान सोचेगा अब मैं क्या करूं। जिस दिन इंसान ने ये सोचा कि मैं क्या करूं, दैट विल बी द लास्ट डे ऑफ दिस यूनिवर्स। जब पहला इंसान था वो क्या करता था, अब मैं क्या करूं, क्योंकि कुछ भी नहीं था उसके पास। जो आखिरी इंसान जिसके पास सब कुछ है वो सोचेगा अब मैं, दैट विल बी द लास्ट डे ऑफ दिस यूनिवर्स। तो दुनिया को वही पहुंचा देगा जहां से उसने शुरू किया, फिर तबाह कर देगा। ये नेचर का कुंडलिया है। सर्किल के अंदर कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता और फिनिशिंग पॉइंट भी नहीं होता। सर्किल का स्टार्टिंग पॉइंट ही फिनिशिंग पॉइंट होता है, क्योंकि वो 360 डिग्री का होता है। देयर इज नो स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट ऑफ अ सर्किल। कहीं लकीर मार दोगे, ये आगाज भी है, ये इख्तिताम भी है, ये खत्म है। क्लियर है? मशीनों की बहुतात की वजह से इंसानों की अहमियत कम कम, अब जरूरत नहीं है। तो अपने घर में जाता हूँ, हमें याद है हमारे वालिद आते थे, हम भाग के जाके सलाम करते, आप लोग भी। आज मेरी दो बच्चियाँ वो अपने एक एक लैपटॉप पे लेगी, मोबाइल पे लगी, कानों में वो लगाए हुए हैं, उठिया मैं जा गया तो आमना अस्सलाम वालेकुम, फातिमा अस्सलाम वालेकुम सलाम। अब अगर मैं ये भी ना करूं, ये भी ना करूं, तो आहिस्ता आहिस्ता ये रवायती भी गुस्सा कर दू। अब आगे उठ बारे में कहना चाहूँ, ये कहा लिखा हुआ है कि छोटा बड़े को सलाम करे, बड़ा छोटे को सलाम करे, ये भी लिखा हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता अब मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास ऑटोमेशन के थ्रू इतनी पॉसिबिलिटीज है कि हम बगैर इंसान की भी काफी देर सर्वाइव कर सकते। इस अप्रोच ने ओवरऑल इंसान की अहमियत को कम कर दिया। इसके तरह इशारा करने की मैंने मिसाल दी थी, वक्त हो तो इसको टाइप करना, ट्रांसह्यूमरिज्म को गूगल के टूल बार में विकिपीडिया खोलेगा, उसमें ये साइन बना हुआ एच प्लस, सुपर ह्यूमन, टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी, पूरी दुनिया को समेट के नुकते के ऊपर लिया होता। बस हर काम मशीन करे, इंसान को कुछ करने की जरूरत ना पड़े। इंसान एक ही काम कर सकता है, सोचने का जो मशीन नहीं कर सकती। बाकी टाइम एंड मोशन स्टडी में जितनी मूवमेंट इंसानी बॉडी की है सारी मशीन को दे दो, सब मशीन को, मुंह ऐसे करे और टूथ ब्रश करो, टूथ ब्रश करना शुरू कर दो। जापान में आ गया, जापान में आ गया, आहिस्ता आहिस्ता वहां जा रहे हैं। फिर कौन सा काम रह गया? थिंकिंग, दैट इज एबिलिटी विच गॉड हैज गिवन यू, दैट इज अनमैच्ड, अनपैरेलल्ड। इसको अपने अंदर लेके आ, लिहाजा अब मशीनों के सामने जो ह्यूमन इंपॉर्टेंस कंप्रोमाइज हो रही है, दैट इज अ वेरी डेंजरस फेज। सिलोज बनाते हैं, गांव में आपने देखा होगा गंदुम का ढेर लगा के उसको मट्टी लेप देते हैं, फिर नीचे सुराख करके मोखा निकालते हैं, उसमें से गंदुम निकालते रहते हैं, उसको बंद कर, अगली फसल आने तक ये गंदुम चलते हैं। जो लेपा था ऊपर वो बजाय घर सा बन जाता, उनको सिलोज कहते हैं। हम सिलोज में चले गए, साथ बैठे तो हैं, आदमी वजूद से मौजूद और ज़हन से हाजिर होता है, फैसला मौजूदगी पे नहीं है, हाजिरी पे है। ये यहां मौजूद है, क्या पता ज़हनी तौर से कहां है मौजूद। तो ये लैपटॉप भी है, ये मल्टीमीडिया भी है, ये मेज भी है, गिलास भी है, इससे क्या फर्क पड़ता है? गुफ्तगू मौजूदगी पे नहीं, हाजिरी पे है। वजूद मौजूद होता है, जहन हाजिर होता है, और वजूद की मौजूदगी में जहन की हुजूरी नहीं है तो मौजूदगी बेकार है। वो तो कुर्सी भी है, मेज भी है, कालीन भी है, मल्टीमीडिया भी है, लैपटॉप भी है, उसमें आप में क्या फर्क है? हाजिरी के साथ तो हम सिलोज में चले गए, पढ़ गए। अब जरूरत नहीं दूसरे आदमी की मुझे बहुत देर तक, घड़ी की जरूरत नहीं, मोबाइल में आता है। और 50 चीजें जो इंसानों से मिलती थी मोबाइल में, नमाज के औकात जानने की जरूरत नहीं है। लाहौर प्रेयर टाइम टाइप करें, डेली नमाज का औकात, उठाने के लिए अलार्म की जरूरत नहीं, मोबाइल के अंदर पड़ा हुआ है। रास्ता पूछने की जरूरत नहीं, गूगल मैप मौजूद है, दरवाजे पे निगाहें खड़ा करते हैं। इंसान माइनस हो रहा है, डिजिटली कनेक्टेड, सोशली आइसोलेटेड। हम इस तरह बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हमने
पूरी दुनिया इस तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है, ह्यूमन ह्यूमन के साथ आइसोलेशन। अभी चाय का वक्फा हुआ, हम बैठे थे, तीन लोग हमारे मेज पे बैठे थे, तीनों क्या कर रहे थे, तीनों के हाथ में मोबाइल थे, तीनों अपने अपने मोबाइल में थे, तीनों बैठे तो साथ थे, मौजूद थे, हाजिर तो नहीं थे, हाजिर तो नहीं थे। ये क्या है? दैट इज आइसोलेशन। हम आइसोलेट हो गए हैं, एंड दैट इज वेरी डेंजरस। इसलिए इंसान के साथ ताल्लुक को कमजोर खत्म नहीं कर सकता, खत्म नहीं कर सकता, कमजोर कर दिया है, जैसे कि वेस्ट में कमजोर कर दिया। जैसे हमारे यहां भी हमारी इमोशनल बॉन्डिंग बहुत ताकतवर थी, अभी भी किसी हद तक है, क्योंकि हम लोग इमोशनल रीजन के लोग, जज्बाती है। अब आहिस्ता आहिस्ता वीक होना शुरू, जैसे उनके यहाँ बहुत पहले वीक हो चुकी थी, वीक हो चुकी। तो लिहाजा एक मैनेजर के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग चीज क्या है? उसकी बॉन्डिंग अपने लोगों के साथ, वो कितनी ताकत है। और बॉन्डिंग कभी भी ऑफिशियल नहीं होती, कभी भी फॉर्मल नहीं होती, हमेशा इनफॉर्मल अनऑफिशियल होती। क्या हाल है, कैसे हो, ठीक हो? और वो बॉन्डिंग बॉन्ड जो होता है, बॉन्ड, मैं अपनी माँ से मोहब्बत करता हूँ, इसके लिए मेरी माँ का इस कुर्सी पे मौजूद होना क्या जरूरी है? क्या पता यहाँ पे मौजूद हो तो इतनी मोहब्बत ना होगी, ये तो बैठी है, वो नहीं है तो ज्यादा है ना। दैट्स कॉल्ड बॉन्डिंग बॉन्ड। ये बॉन्ड है, बॉन्ड के लिए फिजिकल प्रेजेंस लाजमी नहीं है, वो कहीं भी है, मैं कहीं भी हूं, हम दोनों की एक दूसरे के साथ मोहब्बत, जगह मुकाम वक्त इलाका मुल्क जबान की पाबंद नहीं है। दैट इज कॉल्ड बॉन्डिंग बॉन्ड। ताल्लुक रिश्ता अलग है, ताल्लुक अलग है। रिश्ते को आप कहते हैं, और ताल्लुक को आप कहते हैं, क्या फर्क है रिश्ते में और ताल्लुक? मेरे नहीं है, मेरे से बाधे उतारा जी जरा, क्या फर्क है? अगर है तो तुझे मरना ही नहीं था। हाँ जी, अगर कोई है तो या मना लो या मान जाओ। बॉन्डिंग का वर्ड बताते हुए मैंने ताल्लुक के वर्ड को इस्तेमाल किया।